वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। ये बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे से कम प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनी डू। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ एक फेस सीरम, जिससे हमारा जो ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसे अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे, फिर हम लगाएंगे। कोई सा भी आपके पास प्राइमर हो तो कोई सा भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे ब्रांड की लगाओ, तभी ही आपका जो मेकअप या बेस जो हो वो अच्छा बनेगा। ये सिर्फ छलावा होता है, लोग कहते हैं कि जितना महंगा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट नहीं होता ऐसा कुछ। आपकी जो क्या कहते हैं ना, क्रिएटिविटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है मेकअप में। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी रखी हूँ और चीप प्राइस के भी हैं, तो उससे बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने लगाया क्या कहते हैं इसे मॉइस्चराइज़र, और इसे अच्छे से मैंने अपने पूरे फेस में अब्जॉर्ब करवा लिया। फेस बहुत अच्छा बनता है तो हमारा आगे चल के मेकअप बहुत फ्लॉलेस होता है। अच्छे मेकअप के पीछे एक फ्लॉलेस बेस ही होता है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करी। पहले मैं ये अपने मेकअप में नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट ट्रस्ट मी, बिना आप इसे किए अगर आप मेकअप कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ अधूरा सा ही लगता है। तो अब मुझे लगता है, और मैं करने भी लगी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है मेकअप की, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी लगाने के बाद। इसलिए मैंने एक कंसीलर लिया है, आप कंसीलर अपने शेड का कोई भी ले सकते हो। ये मैंने बहुत ही चीपेस्ट प्राइस का लिया है अपने लोकल मार्केट से, तो इसका कोई अच्छा सा ब्रांड नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, काम चलाने वाला। मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये मेकअप बिगनर फ्रेंडली है, जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, जो सीख रहे हैं, मैंने ये सीखने के पर्पस से ही बनाया है ताकि लोग बेसिक से सीख सकें। इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये कंसीलर ब्लेंड करते ही आपने देखा होगा कितना अच्छा सा शेप मेरा बन के आया है, आईब्रोज एकदम से डिफाइन हो गई हैं। अब मैं आईलाइट्स पे अपने लगाऊंगी कंसीलर। मैंने ये ड्राई वाला लिया है, लिक्विड वाले मुझे ब्लेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये लिक्विड मतलब ये है जो टाइट क्रीम जैसे होते हैं, क्रीम कंसीलर, तो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। अब इसे पाउडर से सेट कर रही हूँ। आप पाउडर कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लो। मैं अपने ड्रेस के हिसाब से दो शेड्स ले रही हूँ, एक मरून है हल्का सा और थोड़ा सा गोल्डन है। इसे एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से पूरे आईलिड्स पे अच्छे से लगा लेंगे। पहले ब्राउन शेड लगाएंगे, उसके बाद मैं इस पे आईलिड्स के जो कॉर्नर में होते हैं ना, कॉर्नर पार्ट, उसमें मैं लगाऊंगी गोल्डन शेड, और इससे बहुत प्यारी सी एक क्या कहते हैं ना शेड बन के आई थी। मुझे पहले आई मेकअप का भी उतना अच्छा नॉलेज नहीं था, बट धीरे धीरे मुझे एक साल हो गए मेकअप करते, अच्छी खासी मुझे अब मतलब नॉलेज हो गई है। आईलाइनर अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है मुझे, बट अब कर लेती हूँ धीरे धीरे। क्या कहते हैं ना उसे, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, क्या होता है जो भी होता है। तो अब मैं लगाऊंगी ये आईलाइनर। ये लाइनर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे औकात से बाहर वाला है, महंगा था थोड़ा सा, और ये इसकी क्या कहते हैं ना फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ। आजकल वैसे सारे मस्कारे जो आते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, बस थोड़ी अच्छी खासी प्राइस होनी चाहिए। फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत बेसिक सा बिगनर फ्रेंडली है ये मेकअप, और मेकअप रिमूव करने में मुझे दिक्कत भी होती है, तो इसलिए मैं बीबी क्रीम यूज़ करी हूँ स्पिन्स का। ये बहुत अच्छा है, कवरेज भी बहुत अच्छा देता है और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस का है, आई थिंक 150 या 160 के रेंज में आता है, और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग भी होती है। मैं हाथ से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बीबी क्रीम ब्लेंड करने से वो पूरा केकी हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट वो ब्लेंडर ही सोख लेता है, तो वो अच्छा नहीं रहता। उसके बाद मैं इसे फेस पाउडर से अच्छे से कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्रीम, ब्लश ऑन और हाइलाइटर का यूज़ करूँगी क्योंकि जो पाउडर वाले होते हैं वो थोड़े से केकी होते हैं, और ये क्रीम वाले बहुत ही नेचुरल सा और सरल सा इफेक्ट देते हैं, तो मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। और ये पर्पल से मैंने, मुझे शायद पीआर पैकेज में आया था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ करूँ, जब से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स है तब से, ये बहुत अच्छा है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी और इसे हाथ से ब्लेंड करूंगी क्योंकि ब्लश जो होता है हाइलाइटर, वो हाथ से ब्लेंड करने पे उस पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट। इसी के साथ सारा मेकअप होता है कंप्लीट। मुझे कुछ कमी लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट काजल ऐड किया है। मैं वैसे काजल कोई सा भी नहीं लगाती, बट आज मैंने थोड़ा सा वाइट काजल लगाया है, और लास्ट में हम मेकअप फिक्सर से इसे सेट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए हमारा मेकअप एंड फाइनल लुक। देखो और बताओ कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज़ शाम को ट्राई करूँगी एक नया वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।